रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको एक जिस्म दिया है जिसमें सीना है, सीने में दिल है, दिल में दर्द है, दर्द में नशा है, नशे में मिठास है, मिठास में तशनगी है, तशनगी में आरजू है, आरजू में हसरत है, हसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में ख्याल है, ख्याल में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझमें अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शरारत है, शरारत में शौकी है, शौकी में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है और इबादत में खुदा है। कि ये मिसरा नहीं है, ये मिसरा नहीं है, वजीफा मेरा है, खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है। या मैं आप हजरात से इस तरह भी अर्ज कर सकता हूँ कि मेरे दिल की धड़कनों, मेरे दिल की हसरतों की ख्वाहिश ये आखिरी है, मेरे दिल की धड़कनों की ख्वाहिश ये आखिरी है, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। तो आइए इस मोहब्बतों के इस दौर में, हाजरीन जहाँ पर नफरत पनप रही है, नफरत के इस दौर में मोहब्बतों की गुफ्तगू की जाए, और नफरत को अगर कोई चीज काट सकती है तो सिर्फ मोहब्बत है। तो आइए गुजारिश की जाए अंतरराष्ट्रीय शायर, आपका अपना वो शायर जिसे आपने नादिया दौर में बड़ी खूबसूरती के साथ समाप्त किया जा, वही नाम, वही चेहरा, वही शायर जनाबे आलम निजामी साहब, मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये कहते हुए कि तेरे आने की जब खबर महके, खुशबुओं से ये सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे जनाबे आलम निजामी भाई। अस्सलाम वालेकुम हजरात, ये मेरी खुशबख्ती है कि दो बहुत ही अजीम शख्सियतें हमारे सामने जलवागर हैं, शेरे उतरौला तीन शख्सियतें जलवागर हैं, हमारे शेरे उतरौला के कुतवाल साहब, अनिल सिंह साहब और पुलिस इंस्पेक्टर राम नारायण साहब और डॉक्टर सीपी सिंह साहब, ये तमाम मेहमानान जिनकी मौजूदगी से आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है। मैं राम नारायण साहब आपकी शख्सियत से तो बेपनाह मुतासिर हूँ, आपसे मेरी मुलाकात रही है, एक शेर मैं आप दोनों साहिबान की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि तुम्हें देखा जो पहली बार हमने आज ये जाना, तुम्हें देखा जो पहली बार हमने आज ये जाना, पुलिस वालों के सीने में भी यारो दिल धड़कता है। अरे वाह 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 वाह। तो मैं मोहतरम अब्दुल रहीम सिद्दीकी साहब जो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के कन्वीनर हैं और के वालिदे मोहतरम रमजान अली सिद्दीकी साहब और भाई बाबर सिद्दीकी साहब, मेहताब सिद्दीकी साहब, इन तमाम लोगों की जानिब से आप सभी मेहमानों का खैर मकदम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। और चूंकि मेरा ताल्लुक शेरे उतरौला से है, बलरामपुर से है, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आप सबके सामने जो है अपना कलाम पेश करूँ। आज मुझे मुजफ्फरनगर के मुशायरे में होना था लेकिन घर की इज्जत बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं इस मुशायरे के लिए रुक गया। अब आइए अपना सफर शुरू करता हूँ। आपकी समातों पर मुझे पूरा पूरा यकीन है, दो पाँच छह मिनट जितनी देर में आपके सामने मौजूद हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। शेर अगर आप तक पहुँच जाए तो आप ताहिद कीजिएगा। पेश करता हूँ मतला यहाँ से, एक संजीदा फजा के दरमियान पढ़ना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कभी इल्म ने उसे मात दी, कभी इल्म ने उसे मात दी, कभी आगही ने हरा दिया, कभी कभी इल्म ने उसे मात दी, कभी आगही ने हरा दिया, जिसे तीरगी ना हरा सकी उसे रोशनी ने हरा दिया। बहुत अच्छे, नहीं शेर बहुत अच्छा था, तालियां कमजोर है आपकी, एक बार भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं। कभी
इल्म ने उसे मात दी, कभी आगही ने हरा दिया, जिसे तीरगी ना हरा सके उसे रोशनी ने हरा दिया। और रामनारायण भैया, मैं शहर मुंबई में रहता हूँ, मेरी दोस्ती जो महीने का 10,000 रुपया कमाता है उससे भी है, और जो महीने के 10-20 लाख रुपए कमाते हैं उनसे भी है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने तहकीक की रोशनी में एक शेर आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए, कभी इल्म ने उसे मात दी, कभी आगही ने हरा दिया, जिसे तीरगी न हरा सकी उसे रोशनी ने हरा दिया। कभी खुश उनके न लब हुए, रही जिनकी कतरों से दोस्ती। कभी खुश उनके न लब हुए, रही जिनकी कतरों से दोस्ती, जो समंदरों के रफीक थे उन्हें तिश्नगी ने हरा दिया। जो समंदरों के रफीक थे उन्हें तिश्नगी ने हरा दिया। और शेर हाजिर करता हूं कि मुलादा फरमाए, जिन्हें बेबसी न हरा सकी उन्हें फिर न कोई हरा सका। जिन्हें बेबसी न हरा सकी उन्हें फिर न कोई हरा सका। जो जरूरतों के गुलाम थे उन्हें हर किसी ने हरा दिया। जो जरूरतों के गुलाम थे उन्हें हर किसी ने हरा दिया। जो जरूरतों के गुलाम थे उन्हें हर किसी ने हरा दिया। साबिक प्रधान डॉक्टर नसीबुल्लाह शाह साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उनका तहे दिल से ममनून हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मुलादा फरमाए, जिसे जिन्हें बेबसी न हरा सकी उन्हें फिर न कोई हरा सका। जो जरूरतों के गुलाम थे उन्हें हर किसी ने हरा दिया। जो जरूरतों के गुलाम थे। और एक शेर और पेश करता हूँ, जहां जाकर मेरी आवाज पहुंच रही है इसमें शरीक हो जाएं। कि तेरी दुश्मनी न लगा सकी कभी जर्ब मेरे वजूद पर। तेरी दुश्मनी न लगा सकी कभी जर्ब मेरे वजूद पर, मेरे एतमाद को जीत कर तेरी दोस्ती ने हरा दिया। मेरे एतमाद को जीत कर बहुत शुक्रिया आजाद। मेरे एतमाद को जीत कर तेरी दोस्ती ने हरा दिया। और एक अलमिया में पेश कर रहा हूँ, शेर आप तक पहुंच जाएगा। न है इल्म व फन की तलब तुम्हें, न तरक्कियों का जुनून है। न है इल्म व फन की तलब तुम्हें, न तरक्कियों का जुनून है। जो तुम्हारा तर्ज हयात है तुम्हें बस उसी ने हरा दिया। जो तुम्हारा तर्ज हयात। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी समातों को, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। कि न है इल्म फन की तलब तुम्हें, न तरक्कियों का जुनून है। जो तुम्हारा तर्ज हयात है तुम्हें बस उसी ने हरा दिया। और हमें सरबुलंदी अता हुई, हमें सरबुलंदी अता हुई। नारायण भैया, हम तो आपके सुखन फहमी की कसम खाया करते थे, आप बहुत मायूस बैठे हुए हैं आप, या कुतवाल साहब के साथ बैठे हैं, दबे महसूस कर रहे हैं आप। एक बार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें, ताकि जिंदा दिली से ये पेश करता हूं दोस्तों कि हमें सरबुलंदी अता हुई, हमें सरबुलंदी अता हुई। जहां जिस महाज पे डट गए मरे रोज जिसकी तलब में हम उसी जिंदगी ने हरा दिया। मरे रोज जिसकी तलब आजाद। बहुत अच्छी फजा में आप मुझे समाज फरमा रहे हैं। एक बाबा है हमारे मुंबई में, वो ये कहते हैं कि जो तालियां बजाएगा वो कोरोना की बीमारी हो चाहे एड्स की बीमारी हो, तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। तो अपने आप को महफूज रखने के लिए एक बार तालियां बजा ले आप हजरात। और इसी जिंदा दिली के साथ मैं पेश करता हूँ, मुरादा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले। देखिए शायरी का मजा लीजिए आप हजरात। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। बहुत अच्छे। क्या खबर तुझको वो दामन, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। और ये शेर खास तौर से मैं अपने भाई, अपने मोहतरम, अपने सरपरस्त जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो आज के इस मुशायरे कन्वीनर हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। के और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, अए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी,
ऐ हवाओं, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। बुझ गए ये सारे उतरे हुए हार हैं, जरा फ्रेश हार पहनाइए। वाह 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 वाह। दोस्तों डॉक्टर सीपी सिंह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और एक शेर मैं इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि दश्तो सहरा में दीवानों की तरह ढूंढेंगे। मुलादा फरमाए दश्तो सहरा में दीवानों की तरह ढूंढेंगे, लोग तुमको भी खजानों की तरह ढूंढेंगे। बहुत अच्छे। दश्तो सहरा में, अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दश्तो सहरा में दीवानों की तरह ढूंढेंगे, लोग तुमको भी खजानों की तरह ढूंढेंगे। और मैं शेर पढ़ रहा था कि बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। शेर मुलादा फरमाए कि नापते कैसे मेरे जर्फ की गहराई को। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। नापते कैसे मेरे जर्फ की गहराई को, नापते कैसे मेरे जर्फ की गहराई को, डुबकियां कितने साहिल में लगाने वाले। नापते कैसे मेरे जर्फ की गहराई को, अरे वाह 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 वाह, नापते कैसे मेरे जर्फ की गहराई को, डुबकियां कितने साहिल में लगाने वाले। और डॉक्टर साहब जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, जिस मर सकता है आवाज, जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखे मेरी आवाज जबाने। जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। और गजल का ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुतबाल साहब राम नारायण भैया, आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ इस दावे के साथ कि जितने लोग इस मजमे में मौजूद हैं इस शेर की तायीद करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मेरा यकीन है कोई शख्स यहाँ खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूँ जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, बासी शेर संभालिएगा कि बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं, और भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें। शेर ये शेर पढ़ दिया जाए आलम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ एक बार, तालियां बजा के मुझे बताएं आप सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत करम भाई। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। एक मतलब यूं अर्ज किया है कि बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे जख्मे जुदाई। मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नारायण भैया, आपके होठों पे हंसी आ गई, मैं अपने आप को समझता हूँ मैं कामयाब हो गया। बहुत देर से आप खामोश बैठे थे, एक बार तालियां बजाए राम नारायण भैया के लिए, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा इस मतले पे कैसे हंसी आई आपके चेहरे पे। जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा। और शेर मुलादा फरमाए डॉक्टर साहब के, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, जो मुझे जैसा, जिंदगी भर में तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। और नौजवानों ये शेर देखिए कि मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर। वाह, भैया का प्रमोशन हुआ है, एक बार इसके लिए भी तालियां बजाएं आप, ये 2 स्टार से 3 स्टार ऑफिसर हो गए। मेरे मेरे हिस्से में भी
आया है बुलंदी का सफर, तरमीम करके पढ़ता हूँ मैं, कि मेरे हिस्से में भी आया है बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई मेरे हिस्से में भी आया है बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। और अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, क्योंकि गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो मुझे लगता है इस शेर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पेश करता हूँ आपकी अदालत में, हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए कि बाप की कब्र को अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, मेरे हिस्से में भी आया है बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, जो ये कहता था उन्हें सारी कमाई दूंगा, अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, जो ये कहता था उन्हें सारी कमाई दूंगा, और मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा, मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। बहुत शुक्रिया हाजरीन, फरमाइश के मुताबिक दो तीन शेर जो अफजल भाई को आप सबको बेहद पसंद है, मैं उसके दो तीन शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। हमारे मेहमान अपनी तमाम तर मसरूफियत को छोड़कर हमारे महफिल का हिस्सा बने, मैं रहीम सिद्दीकी साहब की जानिब से उनको जितना उनका खैर मकदम करूं, उनकी अजमतों को सलाम करूं, कम है। ये गजल के दो तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। हसीन ख्वाब दिखा के छोड़ दिया, भाई आलम भाई, वाह 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 वाह, हसीन ख्वाब दिखाया दिखा के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया, और कहीं ना उसकी बुराई में हम हुए शामिल, कहीं ना उसकी बुराई में हम हुए शामिल, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया। और नौजवानों एक इसको मैं शेर नहीं एटम बम कहता हूं, जरा संभालिएगा, फेंकने जा रहा हूं मैं। मैं हौसला ना जुटा पाया उसको छूने का, वाह वाह वाह, मैं हौसला ना जुटा पाया उसको छूने का, नकाब रुख से हटाया हटा के छोड़ दिया। नकाब रुख, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाएं दोस्तों, हौसला बढ़, बहुत शुक्रिया, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हार मैं जो है पहन के पढ़ूंगा, क्योंकि ये कोई आम हार नहीं है, बहुत खास हार है। पेश करता हूं मुलादा फरमाए, मैं हौसला जुटा पाया उसको छूने का, न
नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। नकाब रुख से हटा के छोड़ दिया। और एक और बहुत अच्छा शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, थोड़ी संजीदा फजा देते हैं आप हज़रात, ये बदनसीबी जो हो रही है इसको जरा बंद करें प्लीज। नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। ना उनसे रखी कभी रोशनी की उम्मीदें, वाह 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 वाह। ना उनसे रखी कभी रोशनी की उम्मीदें, दियों को हमने जलाया, जला के छोड़ दिया। दियों को हमने जलाया, जला के छोड़ दिया। दियों को हमने जलाया, जला के छोड़ दिया। और कुतवाल साहब, हमारे असातिज़ा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे मजामीन को बांध दिया, हर रंग की शायरी कर दी, लेकिन अभी भी ये शोराए किराम कभी कोशिश करते हैं। अफजल अलाहाबादी साहब हैं और तमाम शोरा हैं कि कोई नई बात कभी वो कायदे तो अदब में इजाफा हो जाया करता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने कोई नई बात कह दी है, लेकिन एक कोशिश की है अफजल अलाहाबादी साहब, बतौर खास मुलादा फरमाए। अगर आपको लगे कोई नया मजमून शायरी में शामिल हो गया तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ, मुलादा फरमाए। नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। बहुत सलीके से उसने किया नज़रअंदाज, बहुत सलीके से उसने किया नज़रअंदाज। करीब अपने बिठाया, करीब अरे क्या जादू से कहते हैं, बिठा के छो बहुत शुक्रिया, सलाम आपको, करीब अपने बिठा के छोड़ दिया। करीब अपने बिठा के छोड़ दिया। और शेरे आखिर भी इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुलादा फरमाए। किया ना उसने मेरे दर्द को कभी महसूस, किया ना उसने मेरे दर्द को कभी महसूस। हमेशा दिल को दुखा के छोड़ दिया। हमेशा दिल तालियां बजा के मुझे बताया आप सुनना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत नवाजिश। किया ना उसने मेरे दर्द को कभी महसूस, हमेशा दिल को दुखाया दुखा के छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया आज़ीन, मैं आपकी मोहब्बतों को आपकी समातों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छी फजा में आप मुझे समात कर रहे हैं। ये शेर आखिर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाए। कहीं नजर जो मुझे आई कोई दोशीज़ा, वाह वाह। मेरा ख्याल है कि शेर उतरौला में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि दोशीज़ा एक लड़की को कहते हैं, है ना, ये बताने की जरूरत है आपको। मुलादा फरमाए। कहीं नजर जो मुझे आई कोई दोशीज़ा, हवा में तीर चलाया चला
के बहुत